स्वागत है आप सबका एक बार फिर इस वीडियो में। ये वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जब आप मीटियोर 350 लेते हो ना, और जब उसको आप चलाओगे और अपने दोस्तों के पास लेके जाओगे, तो उनका रिएक्शन मज़ेदार होगा। मैंने भी सोचा कि क्यों ना ये रिएक्शंस आपके लिए रिकॉर्ड किए जाएं। मैंने दो क्लिप्स बनाई हैं, एक हिंदी में और एक पंजाबी में। तो पहला रिएक्शन देंगे मेरे फ्रेंड मनोज, और दूसरा पंजाबी में जो रिएक्शन होगा वो देंगे तरुण। तो चलिए पहला रिएक्शन मनोज से शुरू करते हैं। देखो, बीइंग इलेक्ट्रिकल पर्सन, मेरी जो सबसे पहली चीज़ होती है वो मैं देखता हूँ उसका जो पैनल है, चाहे इवन कार भी अगर देखूंगा तो मैं उसका डैशबोर्ड सबसे पहले डैशबोर्ड देखता हूँ कि कैसा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें जो मीटर है वो इन्होंने सेम वो पुराने वाले मीटर की तरह एनालॉग भी है, और एनालॉग के अंदर ही डिजिटल दिया हुआ है। तो वो सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको एनालॉग के साथ साथ डिजिटल का भी लुक है उसमें, मतलब इन्होंने पुराने को भी कंटिन्यू किया है और साथ में डिजिटल लुक भी दिया है। जो वाइब्रेशन की विनय बात करता था, हर बार विनय कहता था कि नहीं भैया इसकी वाइब्रेशन जो है बिल्कुल भी नहीं है ये, तो मैं सोचता कि नहीं यार, जब है एक रॉयल एनफील्ड की तो नेचुरल सी बात है वैसी वाइब्रेशन तो रहेगी जैसे मैंने पहले चलाई है। पर जब मैं इसके ऊपर बैठ के स्टार्ट करके इसको चलाया तो वो वाइब्रेशन कहीं पर भी नहीं थी, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप इससे पहले की बाइक्स देखेंगे तो उसके ऊपर जैसे आप स्टार्ट करते हैं बैठते हैं तो वो पूरी हिलती है, आपको लगता है कि आपकी बॉडी भी एक तरह से वाइब्रेट कर रही है। बट इसकी सीट पे बैठ के आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपकी बॉडी वाइब्रेट करे, सिर्फ इंजन का नीचे नीचे चलेगा पता कि हाँ स्टार्ट है इंजन, अदरवाइज ऊपर आपको सीट के ऊपर बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं। तो आपको इस बाइक ने FZ को याद दिलाया? हाँ बिल्कुल, वो पॉइंट ये था कि जब देखो मैंने इससे पहले FZ चलाई थी तो FZ में भी सेम चीज़ थी कि जब आप इनिशियली पिक लेते हो एक बड़ा अच्छा सा मोमेंटम मिलता है एक बहुत अच्छा, तो सेम मैंने भी, मेरे को क्या है कि देखो बाइक दो तरह के राइडर होते हैं, एक होते हैं कि जिनको स्लो ड्राइव करना अच्छा लगता है बिल्कुल कंफर्टेबल जाना, एक होते हैं कि जिनको हल्का सा पुश लेने में एक बहुत मज़ा आता है। मैं सेम वो हूँ कि मुझे हल्का सा पुश मिले तो बहुत मज़ा आता है कि हाँ बाइक भागती है एकदम से, क्योंकि नेचुरल सी बात है अगर रेस रूस कहीं होगी तो हमें उसमें पुश लेना जरूरी है। तो वो सेम चीज़ थी इसमें। तो आपने एक्सपेक्ट किया था कि रॉयल एनफील्ड की तरफ से ऐसा? नहीं, मैं वही चीज़ पे आने लगा था कि मुझे, मैं विनय से यही बात करता था कि विनय मुझे ये देखो, मैं रॉयल एनफील्ड की तरफ तो नहीं जाने की सोचता हूँ कि मुझे जो है वो स्पोर्ट्स बाइक ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उनमें जो इनिशियल पुश मिलता है वो मुझे बहुत पसंद है। तो वो मैंने सेम चीज़ इसमें ऑब्जर्व की कि मुझे वो मिली कि जब मैंने इसको ज़रा थ्रॉटल दिया तो वो बहुत अच्छी तरह से लिया, और साथ में ही मैंने उसकी ब्रेकिंग भी करके देखी कि क्या उतने स्पीड लेने पे ऐसा तो नहीं कि ब्रेकिंग वगैरह नहीं है कंफर्टेबल, बहुत अच्छी ब्रेकिंग है क्योंकि दोनों तरफ डिस्क है, आगे पीछे डिस्क है, तो वो बहुत अच्छी तरह आप अगर पुश लेते भी हो तो आप रुक भी उसी के अकॉर्डिंगली जाते हो साथ में। तो इस टाइप से आपकी ये वाली जो वीडियो है आप कह सकते हैं कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो वीडियो में जा रहा है। बिल्कुल, तो ये मैं यूट्यूब में डालूंगा बिल्कुल दोस्तों के लिए ताकि वो देखें। तो आप इन लोगों के लिए जो कि ऑब्वियसली पहले सर्च कर रहे होंगे, हमने भी पढ़ा किया, तो उनको आप रिकमेंडेशन में इसको रिकमेंड करते हो? बिल्कुल बिल्कुल, प्राइस ऑफ 2.2 लाख, आई थिंक कि 2.2 लाख में ये बाइक बहुत अच्छी कंफर्ट है, इतना अच्छा कंफर्ट आपको मिलेगा। और सबसे अच्छा कि इसका जो एक वाइब्रेशन वाला है जो कि हर बार पॉइंट रहता था रॉयल एनफील्ड में, वो बिल्कुल इलिमिनेट हो चुका है। उसके साथ ही इसको, मतलब आप ये कहेंगे कि ये रॉयल एनफील्ड की एक स्पोर्ट्स बाइक है, मैं तो ये बोलूंगा। छुट्टी हुई है ऑफिस तो मैं जान लगा सी घर, मेरा रस्ते दे विच एक फ्रेंड मिल गया, मेरे नाल ही काम करता है, उसके कोल बुलेट है क्लासिक, ऑब्वियसली बाइक लेके आया सी तो उन्होंने भी दिखानी सी, तो हूँ वो मिले, उन्हें देखा, तो मैं सोचा कि चलो उसका रिव्यू एक बारी उसके एक्सप्रेशन मैं रिकॉर्ड कर ला। तो हेलो जी, हूँ मैं अगे कैमरा उन्होंने को लैके चला, उन्होंने नाम है तरुण। ओके, थैंक यू विनय, बहुत पहला तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन तेन न्यू बाइक दी। थैंक यू, बहुत सोहनी बाइक है तेरी। मैं ऑलरेडी क्लासिक चला रहा बुलेट की, वो बहुत ज़्यादा एडवांस लगी मैं, ये जिदा कि यदा मीटर है, स्पीडोमीटर एनालॉग है, जो बाकी सारा डिजिटल है, वधिया बहुत एडवांस फीचर है, ब्लूटूथ कनैक्टर हैगा नाल, नेविगेशन वास्ते बहुत सही है, स्विचिज काफ़ी चेंज किए ने, पर थोड़ा ओल्ड सी, ये जो मैं प्लस पॉइंट लगा ये गेयर बहुत सही ने उहदे नालों क्लासिक नालों, एंड इहदी आवाज़ बहुत वधिया है क्लासिक नालों, इहदी आवाज़ फील आती है जिदा तुसीं हार्ले डेविडसन टाइप फीलिंग आती है इहनूं चला के। मैं राइड ली है, मतलब कोई यदी राइड ली है जी मैं तेरे नाल, ये कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कंफर्ट राइड है, तो बहुत सही है, मतलब वर्थ चॉइस है, नाइस बाइक है,
ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬਾਈਕ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਿ ਵਾਓ ਕਿਆ ਬਾਈਕ ਹੈ। ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕਲਾਸਿਕ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੁੱਕ ਵਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਟਿੰਗ ਕੰਫਰਟ ਹੈ ਇਸਦਾ ਉਸਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫੀਲ ਹੋਇਆ? ਕਲਾਸਿਕ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਿੰਗ ਕੰਫਰਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੀ ਬਾਈਕ, ਇਹ ਕਰੂਜ਼ਰ ਬਾਈਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੂੰਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਇਹੀ ਲਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਕਿੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਓਕੇ, ਕਿੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡਰਾਬੈਕ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬੈਟਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਲਫ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੈਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰੈਸਟ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਫਾਈਨ। ਕਿਉਂਕਿ 2.25 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਔਨ ਰੋਡ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਲਾਸਿਕਸ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬੁਲਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹੁਣ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? ਉਸਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਬੁਲਟ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਸੀ ਜੋ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਗੇਅਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਰੋ 6 ਮਾਡਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬੈਕ ਲੁੱਕ, ਫਰੰਟ ਲੁੱਕ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ, ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਟਾਇਰਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਟਿਊਬਲੈਸ ਟਾਇਰਸ ਨੇ, ਟਿਊਬਲੈਸ ਆਏ ਨੇ। ਜੋ ਕਲਾਸਿਕ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਟਿਊਬਲੈਸ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਟਿਊਬਲੈਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਮਨੀ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਰਿਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੋਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਬੁਲਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕਲਾਸਿਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਾਊਡ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਸਾਇਲੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਲਾਸਿਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਓਰਿਜਿਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਇਲੈਂਸਰ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਲਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੀ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਬੈਟਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕਲਾਸਿਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਬਾਈਕ ਲਏ ਜੇ ਕਰੂਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਲਾਸਿਕ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤਰੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਕਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਫਾਰ ਯੂਅਰ ਨਿਊ ਬਾਈਕ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਕੋ ਕੈਸੀ ਲਗੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਤਾਨਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਬ ਮੋਟੋ ਵਲੋਗਿੰਗ ਪੇ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਿਸ ਚੈਨਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਕੀ ਸਪੋਰਟ ਮੁਝੇ। ਫਿਰ ਕਿਸੀ ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੇ ਸਾਥ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਂਗਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।